विद्यार्थियों गुड मॉर्निंग्स। भौतिक भूगोल के पाठ्यक्रम को हम देख रहे हैं। इसमें आज हमारा विषय वस्तु है अपरदन चक्र की संकल्पना। कि विद्यार्थियों, जैसा आप लोगों को विदित है कि धरातल पर आधारभूत विभिन्न प्रकार के लक्षण या प्रधान स्थल रूपों का निर्माण पृथ्वी की आंतरिक तथा बाह्य सक्रिय शक्तियों के परस्पर संचलन के कारण होता है। आंतरिक शक्तियों में पटल विरूपण, ज्वालामुखी क्रिया, भूकंप इत्यादि आते हैं, जो धरातल पर विषमताओं को उत्पन्न करते हैं। इन विषमताओं को समाप्त करने में जो बहता जल, हिमानी, सागरी लहरें, पवन, भूमिगत जल आदि गतिशील शक्तियां कार्यरत रहती हैं। इस प्रकार आंतरिक व बाह्य शक्तियां धरातल के रूपांतरण में सदैव सक्रिय रहती हैं। प्रत्येक स्थलखंड अपने आरंभिक लक्षणों से बदलकर अंतिम रूप को प्राप्त करता है। इसके अलावा स्थलखंड का क्रमिक विकास होता है और विभिन्न भौकृतिक साधनों के द्वारा असमान उत्थित भूखंड को समतल मैदान में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक स्थलखंड विकसित होकर अंतिम अवस्था को पार करता है, जिसे भूगोलवेत्ताओं ने अपरदन चक्र का नाम दिया। विद्यार्थियों, जैसे कि आपको विदित है कि इरोजन शब्द, जिसे अपरदन के समानार्थी माना जाता है, हिंदी में अपरदन कहते हैं, अंग्रेजी में इरोजन कहते हैं, यह लैटिन भाषा के इरोड्री से उत्पन्न हुआ है, जिसका मतलब कुतरना होता है। जैसे चूहा धीरे धीरे कुतरता है चीज़ों को, तो वो इस तरह से पृथ्वी भी धीरे धीरे इरोड होती है। सर्वप्रथम 1886 में स्कॉटिश भूविज्ञानवेत्ता जेम्स हटन ने पृथ्वी तल पर चक्रीय पद्धति का को स्पष्ट किया, जिसके अनुसार देयर इज नो वेस्टेज ऑफ द बिगनिंग एंड नो प्रोस्पेक्ट ऑफ एंड। यानी कि धरातल पे या सृष्टि के संदर्भ में न तो आरंभ का कोई लक्षण है, न ही कोई अंत की संभावना है। इसी मत को आधार मानकर उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिलिटी का प्रतिपादन किया या समरूपतावाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसके बाद 19वीं सदी के अंत में अमरीकी विद्वान विलियम W.M. डेविस ने डार्विन के विकासवादी सिद्धांत से प्रभावित होकर भौगोलिक चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन दिया। यहाँ विद्यार्थियों, यह आपको स्पष्ट कर दें कि डेविस ने अपरदन चक्र के स्थान पर भौगोलिक चक्र का नाम दिया, यानी जियोग्राफिकल, जो बाद में अपरदन चक्र का पर्याय बन के उभर के आया। डेविस का अपरदन चक्र सिद्धांत यदि भी पुराना होते हुए भी वर्तमान में भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा जटिल स्थल खंडों के निर्माण विकास की प्रक्रिया को एक साधारणीकरण के अंतर्गत समझाया जा सकता है। डेविस के भौगोलिक चक्र की आलोचना मुख्यतः जर्मनी के विद्वान वॉल्टर पैंक ने की, और उन्होंने भू आकृतिक तंत्र सिद्धांत का नाम दिया। और जो उन्होंने भू आकृतिक तंत्र सिस्टम यानी जियोमॉर्फिक सिस्टम जो टर्म दी, वो अपरदन चक्र की आलोचना के परिपेक्ष में उन्होंने अपनी बात को रखा। डेविस द्वारा प्रतिपादित भौगोलिक चक्र की संकल्पना का क्रमशः भूमिगत जल, हिमानी, वायु, काष्ठ आदि के कार्यों के संदर्भ में भी कई विद्वानों ने परीक्षण किया। उसके आधार पर उन्होंने अलग अलग अपरदन चक्र विकसित हुए। डेविस ने अपरदन चक्र का विवरण देते हुए पेनिप्लेनेशन, साइकिल ऑफ पेनिप्लेशन का प्रतिपादन भी किया था, परंतु 1933 में बीदी ने, 1918 में स्विजिक ने और 1921 में सैंडर्स ने चूना प्रदेशों के लिए काष्ठ स्थलाकृति अपरदन चक्र, 1950 में
पेल्टियर ने परिहिमानी चक्र का विस्तृत विश्लेषण किया। 1948 में एल्सी किंग ने अफ्रीका के शुष्क व अर्धशुष्क प्रदेशों की भौकृतिक विकास के लिए सवन्ना अपरदन चक्र का नाम दिया। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि 1930 के बाद भू आकृति विज्ञान में स्थल रूपों तथा प्रक्रमों के अध्ययन में भी परिणात्मक क्रांति का आरंभ हुआ, जिसे गतिक संतुलन का सिद्धांत देते हुए स्टॉल और शॉली हैक ने गणितीय मॉडल के आधार पर अपरदन चक्र को भ्रामक बताते हुए विसंगतियां उजागर की तथा गतिशील संतुलन सिद्धांत यानी कि डायनामिक इक्विलिब्रियम थ्योरी का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत में स्थलखंडों के निर्माण में समय कारक को महत्वहीन बताया गया। इसके अलावा भवाकृतिक सीमांत सिद्धांत, मोरिसावा का विवर्तन सिद्धांत, शूम का खंडकालिक अपरदन सिद्धांत आदि प्रस्तुत भी किए गए। तो विद्यार्थियों, अपरदन चक्र में आगे हम देखेंगे।